गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सबको गोपाल राजू का नमन भक्ति की क्या कोई सीमा है कोई लिमिट है भक्ति की भक्ति का क्योंकि कोई कोई प्रकार है भक्ति का भक्ति को किसी सीमा में बांधा जा सकता है क्या देखिए ये तो वस्तुता क्या है एक आस्था है एक भाव है और ये वो भाव है जो एक एक अचेतन को चेतन करता है ये वो है जो एक अमूर्त को मूर्त बनाने का भाव रखता है ये वो है जो साकार निराकार से साक्षात करने का भाव रखता है तो इसका तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके से अपने अपने मन से अपने अपनी आस्था से अपनी अपनी सुविधा से कुछ भी रूप हो सकता है कुछ भी प्रकार हो सकता है कुछ भी संख्या हो सकती है मगर भक्ति का धर्म ग्रंथों में अगर तलाशें अगर हम हम अपने हिंदू वांगमय में, में तलाशें तो इसके अलग अलग रूप मिलते हैं देखिए जो एक मैं मुझे गाना याद आता है एक भक, भक्त एक भजन याद आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है सहायक स्वामी सखा तुम ही नाथ हमारे हो पिता माता सहायक स्वामी सखा पांच प्रकार भक्ति के प्रभु की आस्था के उस साकार निराकार को मूर्त करने के ये ये अच्छा ये ये तो माना ये तो लगता है ना सभी प्रभु को सब कुछ माना है मगर अगर देखें धर्म ग्रंथों में देखें भगवान को जो भक्ति की जो नवधा भक्ति कहलाई गई है यानी कि भक्ति के नौ प्रकार हैं नौ प्रकार से प्रभु का को प्रसन्न करने का प्रभु का साक्षात करने का प्रभु की कृपा पाने का प्रभु को अपना बनाने का नौ नौ प्रकार बताए गए हैं इन नौ भक्तियों में नवधा भक्ति जो कहलाई गई है वो नवधा भक्ति है श्रवण सुनना कीर्तन प्रभु के नाम का कीर्तन करना स्मरण स्मरण करना भगवान के नाम का पाद सेवा चरणों की सेवा करना श्री चरणों का 24 घंटे ध्यान करना अर्चन अर्चना करना प्रभु की वंदन वंदना करना प्रभु की दास से यानी कि एक 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 दास वाली भावना कि प्रभु मालिक है और हम तो प्रभु के दास हैं और संख्य यानी कि सखा वाला भाव है ना वो जो वही कि पित मात पिता सहायक स्वामी सखा सब कुछ तो भगवान के नाम का अर्पित करना ये नव नवधा भक्ति की की जो रूप नवधा भक्ति के जो प्रकार बताए मगर जो हमें जो अच्छा लगा देखिए हम तो राम भक्त हैं और हर चीज़ राम से जोड़ना चाहते हैं तो जो राम का जो था ये अरण्य कांड में मिलता है जो शबरी और रामचंद जी का संवाद हुआ उस संवाद से जो निकल के नवधा भक्ति का जो रूप आया वो वो क्या है यानी कि प्रभु श्री राम जी ने शबरी को क्या नौ बातें बताई जो जो नवधा भक्ति की कि ये नवधा भक्ति है तो वो नवधा भक्ति थी जो पहला प्रभु ने बताया कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना यानी कि संतों के साथ रहना उन उनकी मंडली में शामिल होना उनसे सत्संग करना उनसे कीर्तन करना उनसे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना दूसरी भक्ति जो बताई भगवान ने वो बताई कि मेरे कथा प्रसंग से प्रेम करना मेरे जो कथा जो मेरे मेरी जो जीवनी है मेरा जो चरित्र है मेरा जो जो मेरा जीवन है उस जीवन से प्रेम करना उसमें रमना तीसरी भक्ति भगवान ने बताई कि बिल्कुल कोई प्राउड नहीं हो कोई अहंकार नहीं हो कोई अभिमान नहीं हो इन सबसे अलग हो के गुरु चरणों की सेवा करना गुरु के चरणों में बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना चौथी भक्ति बताई कि भगवान ने कि छल कपट ये बिल्कुल नहीं ये मन से बिल्कुल त्याग देना ये बिल्कुल ही इस, इसकी कल्पना भी नहीं करना जो पांचवी भक्ति बताई श्री राम जी ने वो राम मंत्र का जाप करना यानी कि रकार और मकार में जप में रमना राम में जमना राम में मन लगाना राम राम, राम रटन करना क्योंकि यही अंततः साथ जाएगा आप देखिए ना कि, कि बच्चे के सोहर से लेके और जब जब अंतिम सांस होती है व्यक्ति की तब राम नाम का ही जाप किया जाता है यानी कि एक यही नाम है जो अंतिम समय तक साथ चलता है तो इसीलिए कहा कि मेरे राम नाम में रमना और उसी में ही बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखना कि राम के अलावा कुछ नहीं है सब कुछ इसी राम में रकार और मकार इसी सत्ता में समाया हुआ है अब देखिए राम कौन सा राम ये राम वो जो राम राजा राम वाले राम लें ये रा और माँ तत्व को समझें ये बिल्कुल अलग विषय है मैं इसके ऊपर बिल्कुल अलग से मैं एक वीडियो बना के दे रहा हूँ राम जी के ऊपर पाँचवीं भक्ति जो बताई है वेदों में जो प्रसिद्ध है दृढ़ विश्वास अटूट आस्था जब तक ये आस्था पैदा नहीं होगी तब तक कार्य सिद्ध नहीं होंगे उसमें मन रमेगा नहीं मन भटकेगा मन दौड़ेगा तो ये ये जो जो विश्वास है जो आस्था है यही मन को रमाती है यही मन को स्थिर करती है यही मन को प्रभु के चरणों में फिर ये जब आस्था जगेगी जब आत्म दृढ़ विश्वास होगा जब आत्मविश्वास जगेगा तभी तो फिर वो जो नवधा भक्ति बताई है हमारी जो हमारी पास सेवा है श्रवण है हमारा हमारा शक्य है हमारा दास है कीर्तन है श्रवण है जो नवधा भक्ति बताई है तभी तो उसमें हमारा ध्यान लगेगा छठी भक्ति भगवान ने बताई इंद्रियों का विग्रह यानी कि सचरित्र बने व्यक्ति अच्छे चरित्र का स्वामी बने ये भगवान ने छठी भक्ति बताई और जो बहुत से कार्य हैं जो अपने आप ही सिद्ध होने लगते हैं अगर इंद्रियों का निग्रह शुरू हो जाता है और इससे क्या होता है वैराग्य की स्थिति पैदा होती है वैराग्य की स्थिति पैदा करना चाहिए और फिर जो जो भक्त है जो साधक है साधक है वो आचरण करने लगता है वो धर्माचरण में चला जाता है तो ये छठी भक्ति बताई श्री राम जी ने सातवीं भक्ति बताई प्रभु ने कि 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 सारे सारे जगत को हर कण कण को हर हर जर्रे जर्रे को संभाव से देखना और और उस जर्रे जर्रे में उस उसमें उसके जो जो राम नाम है जो रा और माँ का तत्व है वो सब हर जर्रे जर्रे को उससे ओत प्रोत जानना यानी कि ये भावना रखना कि जर्रे जर्रे में राम समाया हुआ है वही देखना है वही सोचना है वही सुनना है आठवीं भक्ति जो प्रभु ने बनाई कि जो भी कुछ मिल जाए उसमें संतोष कर लेना दूसरे की चीज़ में ललचाना दूसरे के भाव दूसरे की वस्तु को देखना दूसरे के ऐश्वर्य को देखना दूसरे के खान पान को देखना दूसरे को कद को देखना उस उससे उससे ईर्ष्या करना उससे हिरस करना उसके बारे में कल्पना करना ये बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल जो ये बिल्कुल दूसरे की वस्तु को तो बिल्कुल देख के सोचना ही नहीं है बस संतोष धन बताया ना सबसे बड़ा जो बताया कि अगर सब कुछ मिल जाए तो हवस नहीं जाती व्यक्ति की ये मिलने की जो हवस है ये क्या होगा ये बढ़ती चली जाती है तो जब तक कि संतोष धन नहीं मिलेगा तो ये संतोष धन ये ये आठवीं भक्ति प्रभु राम ने बताई और नव नव जो नवमी भक्ति भगवान ने बताई सरलता सबके साथ कपट रहित सबके साथ बिल्कुल किसी के साथ छल कपट नहीं करना और सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और जो मन में ये भाव रखना है कि बस प्रभु राम ही समाये हुए हैं बस अगर ये देखिए भावना आने लगेगी तो फिर ये भाव तो हर्ष के विषाद के तो ये भाव तो धीरे धीरे अपने आप ही घटने लगेंगे और वैसे भी ये भावना जगाएं कि किसी भी अवस्था में न तो बहुत हर्ष प्रसन्नता का अनुभव हो और ना ही विषाद का अनुभव हो तो एक एक मध्य की अवस्था तो कहते हैं ना मिडवे वाला जीव जो व्यक्ति होता है जीवन में वो हमेशा सुखी होता है हम बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि जिस समय गद्दी पे बैठे हुए हैं तो बहुत अपने आप को पता नहीं तोप समझ रहे हैं तुर्रम खास समझ रहे हैं और जब जिस दिन गद्दी से उठे तो सड़क पे फिर अपने साइकिल में और लाइन में लगे हुए सारी जो ऐसे होता है ना गुब्बारा फूलता है तो हवा निकल जाती है तो वन वे रहे मिड वे रहे ये सबसे सुख का सबसे बड़ा रास्ता देखिए ये उन्होंने कहा कि जिसके अंदर ये भावना ये नवधा भक्ति की ये भाव ये आविर्भाव ये, ये चेतना ये सोच ये ज्ञान इसके मर्म को जिसने समझने लगा तो फिर कोई भी फिर जो कृपा है प्रभु की जो अनंतानंत की जो भावना है जो जो अदृष्ट है जो जो मूर्त नहीं है वो सब फिर साकार होने लगेगा वो सब सब होने लगेगा और सबसे बड़ा वो राम जी का प्रिय होने लगेगा वो राममय होने लगेगा राम में समाने लगेगा वो राम जी उसमें समाने लगेंगे ये नवधा भक्ति का जो जो हमारा अरण्य गां में वर्णन दिया गया है तो दोस्तों ये नवधा भक्ति का सूक्ष्म रूप और सबसे बड़ी भक्ति वो तो जो रमने की भक्ति मर्म में में घुसने की भक्ति जो व्यक्ति अपने आप डेवलप करता है जो जो स्वांत सुखाय है जो सहज है जो सरल है जो सुगम है जो व्यक्ति सहजता से आत्मसात कर ले वो सबसे बड़ी भक्ति दोस्तों अच्छा लगे तो गोपाला जी के छोटे छोटे से टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों लाइक कीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपाला जी